हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक। मैं आपको इस वीडियो में टेक्निक्स तो बहुत नहीं क्लियर करूंगी, बट मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अगर हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की बात करें तो कैपिटल बजटिंग जो टेक्निक्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया एंड कैश फ्लो क्राइटेरिया। ये दोनों ही मेथड्स अलग अलग जाते हैं, जहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया के अंदर आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बहुत ही इजी मेथड है इफ यू अंडरस्टैंड दिस। एंड कैश फ्लो क्राइटेरिया में है पे बैक पीरियड मेथड, दैट इज द कैश फ्लो क्राइटेरिया। एंड देर इज वन मोर थिंग, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इसके अंदर तीन टेक्निक्स आती हैं, दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अगर आपको कैपिटल बजटिंग का चैप्टर समझ आ जाए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मीनिंग समझ आ जाए, तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाता है। नहीं तो मुझे लगता है आपको ये पूरा चैप्टर समझ ही नहीं आता है कि व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट। इफ ओवर हेयर वी राइट डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट दैट देर इज सम डिस्काउंट। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इफ अगर मैं आज आपसे रुपीज 1 करोड़ मांगती हूं कि आज आप मुझे 1 करोड़ दे दो और 5 साल में बाद मैं आपको 1 करोड़ दे वापस रिटर्न कर दूंगी, चाहे आपके पेरेंट्स ही आपसे मांगे, तो क्या आप दे दोगे? जस्ट थिंक अबाउट लॉजिकली कि अगर आपसे कोई भी आदमी 1 करोड़ रुपीज मांगता है और बोलता है कि मैं 1 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपया वापस दे दूंगा, तो क्या आप दे दोगे? मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यू नो दैट आज आप जो 1 करोड़ रुपीज उस पर्सन को देते हो, जो कि एक तरीके से कैश आउटफ्लो है, वो ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो ज्यादा है। बट 1 साल बाद या 5 साल बाद उसकी जो 1 करोड़ की जो सेम वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। मतलब आज का 1 करोड़ 1 साल बाद के 1 करोड़ के इक्वल नहीं होता है। ये बात आप देख सकते हो कि बचपन में आप बहुत सारी चीजें खरीदते थे जो कि बहुत सस्ती होती थी, 10 रुपीज में आपको बहुत सारा सामान मिल जाता था, 100 रुपीज आप शादियों में देते थे, बट आज के टाइम में यू हैव टू गिव अराउंड 500 रुपीज और 250 रुपीज एज अ मिनिमम अमाउंट। 100 रुपये में आपको नटीज का पैक मिलता था, बट आज वही नटीज का पैक जो है 450 रुपीज का मिलता है। ऑल दिस रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो जो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, क्योंकि अगर आज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, तो आज ही आप जानना चाहते हो कि आखिर कितना पैसा आपको मिलेगा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ मनी। इट मीन्स दैट मैं आपको इसमें बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अगर आपने बिजनेस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब अगर आपने बिजनेस में आज कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब आज उसमें पैसा आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, दैट इज दी आउटफ्लो, और कुछ आपको पता होगा कि बिजनेस में मुझे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे कुछ प्रॉफिट आएगी, दैट इज दी इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो पैसा आएगा आज वो कितना होता है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब होता है कि आज कितना पैसा गया। और जब आप इस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो को कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट आई है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि बिजनेस में आपको दिखाता है कि टोटल कैश इनफ्लो जो है वो 410,000 रुपया है। बिजनेस में जो टोटल कैश इनफ्लो है वो 410,000 रुपया है, बट जब आप एनपीवी मेथड के थ्रू इसका कैलकुलेशन करते हो, तो आपको पता चलेगा कि शायद ये 410,000 रुपया नहीं है, वो 301,450 रुपीज है। दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, बट जब आप एनपीवी मेथड करते हो तो ये बात आपको पता चलती है कि जो 410,000 रुपया एक्चुअल में हमें दिख रहा है
बट अगर आप उसको आज के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो वो 4,10,000 ना होके 3,01,450 रुपया होता है। ओवर हेयर आई एम एस्टिमेटिंग व्हाट इज द प्रेजेंट अमाउंट। सो अगर आपने बिजनेस में कोई रुपया इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस में अगर आपने कोई रुपया इन्वेस्ट किया है, आज इन्वेस्ट किया है, तो आज आप आज ही जानना चाहते हो कि हमें क्या रिटर्न बैक मिलेगा। इसलिए जो फिगर्स आपको दिखते हैं, सिर्फ उन फिगर्स को आप रियल नहीं मानते हो, और उनकी जो वैल्यूज होती है, जैसे फ्यूचर में अगर आपको 50,000 रुपीज मिलता है तो उसको हो सकता है वो आज के 46,000 के बराबर हो। अगर आपको 2 साल बाद 1,00,000 रुपीज मिलता है तो हो सकता है वो आज के 90,000 के बराबर हो। मीन्स यू डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ मनी, यू डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ मनी। आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक वीडियो विच आई हैव मेड फॉर यू रिगार्डिंग द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, बिकॉज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यूज करता है। और इसी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बेस्ड होता है। इन माई फर्दर वीडियोज मैं ये मेथड्स का वीडियो बनाऊंगी, एंड प्लीज डू वॉच दोज वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।